अब हम ऐसी पिक्चर के बारे में बात करेंगे, उस फिल्म का नाम है ब्रह्मचारी। उनमें 12 बच्चों ने काम किया था, इंडिया आज ने बीड़ा उठाया उन बच्चों को ढूंढने का। उनमें से एक बच्चा जो मिला है जो सात समंदर पार है और हमारे को वीडियो भेजा है, और उसके साथ ही साथ ब्रह्मचारी पिक्चर में काम करने वाले विशेष कलाकार थे, उनका नाम है मोहन चोटी। उस पर भी बात करेंगे। जूनियर में की जबानी, देखिए इंडिया आज की खास रिपोर्ट। मैं गाऊं तुम सो जाओ, सुख सपनों में खो जाओ। जूनियर भाई, हमेशा की तरह इस बार भी हमें प्रोग्राम करे फिर उनकी याद आई। आज बात करेंगे ब्रह्मचारी पिक्चर पे, और सबसे अहम बात करेंगे मोहन चोटी जी पे, और उसके बाद बात करेंगे वो 10 बच्चे से 12 बच्चे जो पिक्चर में काम किए हैं उनको हम इंडिया आज ने कोशिश की है ढूंढने की। उसमें से एक बच्चे का वीडियो आया है, सबसे पहला हमें उस वीडियो दिखाते हैं आपको, वो देखिए आप। नमस्ते, सलाम अलैकुम, सत श्री अकाल। मेरा नाम है जवनील और मैं जूनियर के साथ में ब्रह्मचारी फिल्म में काम किया था आज से करीबन 50 साल पहले, और अभी मैं पिछले 46 साल से स्वीडन में रहता हूँ। शहर का नाम है गोथेनबर्ग, और मुझसे मैंने इंडिया आज के माध्यम से अपने जूनियर से कांटेक्ट हुआ मेरा। सलाम भाई को बहुत बहुत थैंक यू। और पुरानी याद आ गई उनका वीडियो देख के, और हमने उन्हें बड़ा एंजॉय किया था उस टाइम पे। शमी अंकल थे, राशि दीदी, प्राण अंकल और मुमताज दीदी, फिर परिता दीदी था, और सचिन थे, और ऑफ कोर्स जूनियर। और मेरे लिए तो नमो है, नमो से अभी बात होगी करीबन 50 साल बाद में। तो हाँ, नमो से एक रिक्वेस्ट करूँगा भाई, अगर अगले मरतब मिले तो मुझे आप थोड़ा सा बाल उधार दे देना, क्योंकि मैं तुझे अगली जन्म में पहुँचा दूँगा भाई। मेरे तो गिर गए सब, देखो। ओके, थैंक यू वेरी मच जी। दुनिया भाई, शमी अंकल और हमारी एक्ट्रेस जो है राशिद जी के एकदम चहेते कलाकार थे, चाइनीज थे ये बच्चे, दोनों के गोद में देखा गया इनको, और 50 साल के बाद वो आपको देख रहे हैं इंडियाज के माध्यम से और आपको संदेश दिया, आप क्या कहेंगे इनके बारे में, कुछ बताइए आप। इंडियाज के सुनने वालों को मेरा सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। सलाम भाई, ये योनी चैंग है और इनके अब्बा चाइनीज, ये खुद चाइनीज, और चूँकि ब्रह्मचारी में 12 बच्चे थे तो उनका ये था कि अलग अलग मिजाज के, अलग अलग जात के बच्चे हों, और एक अच्छा संदेश था वो, लोगों में अच्छा पैगाम दिया उन्होंने उस फिल्म के ज़रिए। और ये बच्चा अलेक्जेंडर सिनेमा जो है टाउन में, उनके पास रहते थे, और हम लोगों में इतनी मोहब्बत हो गई थी कि मैं एक रात इनके घर पर जाकर सोया योनी के साथ, और मैं समझ लो इनका फैमिली मेम्बर ही था। इनके अब्बा मुझे बहुत प्यार करते थे, पहले फाइटर थे एक ज़माने में, इनके डैडी चैंग बहुत सी फिल्मों में विलन बन के आते थे, विलन के हेंचमैन बन के आते थे, तो फिल्मों से इनका लगाव था। बेसिकली डेंटिस्ट थे ये लोग, दांतों का कारोबार था इनका, और मुझे इतनी खुशी हो रही है सलाम भाई कि आपने कहाँ से खोज निकाला योनी को, जिसको मैं 50 साल बाद देख रहा हूँ। नहीं, मैंने खोज नहीं निकाला, इंडिया आज जो है पूरी दुनिया में, पूरे वर्ल्ड में देखा जाता है। उन्होंने किसी तरह से एक बार हमारा और आपका वीडियो देखा था, तो मेरा नंबर होता है उसके ऊपर, उन्होंने देख के मुझे कांटेक्ट किए थे। मैं सलाम भाई, मैं स्वयं से बोल रहा हूँ, और इंडिया में पहले रहता था, मैं छोटा सा था, लेकिन अभी सात समंदर पार आया हूँ, काम कर रहा हूँ, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब मिली है मुझे, और जूनियर भाई से आपके माध्यम से 50 साल बाद मेरी बात होगी, ऐसा उन्होंने कहा। वेरी नाइस, वेरी नाइस यानी, थैंक यू सो मच यानी, आई एम ऑल्सो एज गुड एज यू, और मैं भी चाहता भी यही था दिली तौर पर कि मैं किसी तरह अपने पुराने दोस्तों से मिलूँ, पर यह होता ना कि जब आदमी बड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियाँ हो जाती, तो अपने अपने काम में पूरे जाता, तो ये भी देखिए इतनी दूर चले गए तो जिम्मेदारियाँ निभाने के लिए। बट आई एम सो, मैं कहता हूँ अंदरूनी तौर पर इतना खुश हूँ। सलाम भाई, आपका शुक्रिया कि आपने मेरी इनसे मुलाकात करवाई, अब जब आएंगे इंडिया, मुंबई आएंगे, मुंबई तो मुलाकात करूँगा मैं इनसे। इंडिया आज के देखने वाले को ये बताना चाहूँगा मैं, 12 बच्चों को ढूंढना कोई आसान नहीं है जो ब्रह्मचारी में आज से 50 साल पहले काम किए, लेकिन ये बीड़ा उठाया इंडिया आज ने। इंशाल्लाह आपने दुआ से उस बच्चे को हम बहुत जल्द
खोजते रहेंगे और इसी तरह हर बच्चे के बारे में बात करेंगे। अब बात करते हैं मोहन चोटी जी के ऊपर, उसने अहम भूमिका निभाई थी मोहन चोटी जी ने ब्रह्मचारी पे, और आपकी मोहन चोटी से पहली मुलाकात कैसी हुई थी ये बताएंगे हमारे दर्शक को। सलाम भाई, मोहन चोटी साहब, मैं साहब इसलिए बोलता हूँ कि ये उनसे ऊपर हैं ये लोग जी, जिसको मैं साहब बोलता हूँ समझिए कि उनसे बड़े हैं ये, उस रुतबे से उस ओहदे से बड़े लोग हैं जिन्होंने बहुत ही ज़मीन से अपना करियर शुरू किया। पीनट्स जिसे कहते हैं अंग्रेजी में, कुछ भी नहीं होते थे और बाद में इतने बड़े मकाम पे पहुँचे, कॉमेडियन कहलाए, फिर प्रोड्यूसर डायरेक्टर कहलाए, और ऐसा कोई फिल्म देखने वाला हिंदुस्तानी नहीं होगा जो मोहन चोटी साहब के नाम से वाकिफ नहीं होगा। मैं हम लोग शूटिंग करने गए थे उपकार फिल्म की, महेश कुमार साहब की फिल्म की, दिल्ली के पास एक छोटी सी जगह थी वहाँ नरेला, कोई जगह नरेला ही है शायद जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ मैंने पहली बार उनको देखा था। एक फैन कैसे अपने स्टार को देखता, मैं ऐसे देख रहा था मोहन साहब को। और फिर बाद में हमारी मोहब्बत बढ़ी, कुछ दिनों के बाद में एक फिल्म और बनी हमारी, फिर हम ब्रह्मचारी में साथ में आए और आहिस्ता आहिस्ता मेरा भी नाम हुआ, फिर तांगे वाला, एक खिलाड़ी, बावन पत्ते, अर्चना, और मैं कहता हूँ 12-15 फिल्में की मैंने इनके साथ। और उसके अलावा बड़ी बात मैं आपको बताऊं, जब इनसे बहुत ज़्यादा घरेलू हो गया तो मैं इनको मोहन अंकल बोलता था और इनकी मिसेस को मैं आई बोलता था, यानी कि माँ। तो घरेलू संबंध था, इनके साहबजादे गुजर गए, वो हेमंत भाई समान थे हमारे, और बेबी इनकी बिटिया हमारी बहन समान हैं बल्कि, और माशाल्लाह बड़े लोगों के बीच में रह के बड़ी अच्छी अच्छी बातें सीखी मैंने और बड़े अच्छे दिन गुजरे मेरे। और मैं आपके लिए, मैं क्या बोलूँ, मैं आप कैसे कैसे कहाँ कहाँ ले जाते हैं मुझे। अभी जूनियर भाई, मैं आपको बताना चाहूँगा, जिस तरह से आप सीनियर एक्टर है उसी तरह से एक एक्टर सीनियर है, उनका नाम है बीरबल जी, उन्होंने कई फिल्मों में काम किया, हर एक्टर के साथ काम किया। मैंने उनसे कल बात किया, मैं मोहन चोटी जी पर स्टोरी बना रहा हूँ तो आप कुछ दो लाइन बोल सकते हैं, तो उन्होंने फौरन बोले वीडियो भेजता हूँ भाई, सलाम भाई बेफिक्र रहिए, और उनके मेरे ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, मतलब मुझे हिम्मत बताइए आप वीडियो बना के भेजिए, उन्होंने वीडियो भेजा है, किस तरह से देखिए आप। नमस्कार, मैं हूं पुराना एक्टर बीरबल। जब मैं फिल्म लाइन में नया नया आया तो स्ट्रगल करता था, उन दोनों मेरी दोस्ती हो गई थी मोहन चोटी से। मोहन चोटी मेरे को बहुत प्यार करता था, उसने जो मेरी मदद की है मैं जिंदगी भर नहीं भूल सकता। मोहन चोटी और मैं कई फिल्मों में इकट्ठे काम करते थे और कभी कभी तो मुझे वो काम भी दिलवा देता था। करते करते क्या हुआ कि उन दिनों में गेस्ट हाउस में रहता था तो शाम को मैं जब मोहन चोटी के घर चला जाता था वहीं जाके सो जाता था, उसके घर खाना भी खा लेता था। वो मेरे से बहुत गहरी दोस्ती थी उसकी, हम दोनों ने बहुत सारी फिल्मों में इकट्ठे काम भी किया है, और हम दोनों उन दिनों धर्म जी के खास थे, धर्म जी हमें दोनों को बहुत लाइक करते थे और हम दोनों भी उनके आगे पीछे घूमते रहते थे। ये बीरबल जी ने अपनी बातें रखी, इंडियाज के साथ शेयर की कि उन्होंने के साथ कितनी पिक्चर में काम किया उन्होंने और किस तरह से ताल्लुकात थे, बताया। सलाम भाई, ये एकदम एक एक चोली दामन का साथ था इनका जी, हर फिल्म में साथ में होते थे, बहुत ज़्यादा काम किया इन लोगों ने, और ये कहते तबरुक बोलते हैं, जो प्रसाद बोलते हैं, ये सब प्रसाद हैं इंडस्ट्री। अभी आप अपनी बात बताइए, मोहन चोटी की जी के साथ आप शुरू से लेके जिंदगी के आखिरी मोड़ तक थे, पूरी कहानी तफसील से बताइए, एक दो किस्से ही बताइए। किससे क्या बताऊँ, मैं ये था कि मैं हमेशा अदब करता था अपने बड़ों का, अभी भी करता हूँ ऐसा तो नहीं, पर ये वाकई में बड़े थे, और चूँकि मैं इनको अंकल बोलता था तो बहुत अच्छा था, कभी कभी ताश भी खेलने जाता था इनके घर पे, सेंटा क्रूज में रहते थे तो वही 54 पॉइंट खेल के टाइम पास करना था। तो मैं एक कहते ना कि फैमिली मेम्बर की तरह रहा हूँ मैं, और ये हंसी मजाक हमेशा ये जहाँ होते थे बस फुल ऑफ लाइफ होते थे, हंसी मजाक किसी और कुछ होता नहीं था। और रही बात मेरे काम की, इनके साथ काम बड़ा किया है मैंने, और ये तो ऐसे हम एक जय करोली माँ एक फिल्म आई थी हमारी, इसके बारे में मैंने आपके साथ किसी बात के लिए जिक्र किया था मैंने उस फिल्म के बारे में, उसके आउटडोर में भी हम थे, एक खिलाड़ी 52 पत्ते में विनोद खन्ना साहब हम लोग सब साथ थे, तो मैं इनके साथ था, बड़ा काम किया मैंने। और ये इतने अच्छे हैं कि इन्होंने एक फिल्म बनाई चाबी चोर के हाथ, कैन यू इमेजिन, जब मिथुन साहब का बूम पीरियड आया तो इन्होंने उनको लेकर फिल्म बनाई चाबी चोर के हाथ, फिर इनकी फिल्म बनी धोती लोटा चौपाटी, और एक फिल्म इन्होंने बनाई हंटर वाली 77 बिंदु आंटी थी। अब साहब अगर इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगी तो किनको मिलेगी, जिन्होंने पेन बेच के कंघियाँ बेच के अपनी ज़िंदगी की शुरुआत की हो, बाद में
स्ट्रगल करने के बाद में एक मकाम हासिल किया, उसके बाद में प्रोड्यूसर डायरेक्टर बन के फिल्में बनाई हूँ और सोने पे सोहागा फिल्में लगी हूँ, चली हूँ, और आज तक हम जैसे को तो याद है, पता नहीं पब्लिक को कितना याद है याद नहीं, पर हाँ मोहन चोटी साहब बहुत पाएदार थे और उनका मकाम अपनी जगह पे कायम रहेगा। और हम लोग आउटडोर जाते थे, अक्सर मेरी गाड़ी में आते थे, मेरी गाड़ी बड़ी होती थी तो मैं तुझे बोल इनमें भरका, मैं तुझे बोल इन, मुझे बहुत अच्छा लगता था कि इतना बड़ा आदमी अगर इस खुशी से इस जज्बे से मुझे बोलते थे, मुझे अच्छा लगता था। तो इनका बड़कपन था, ये नहीं था कि उनको गाड़ी का क्रेज़ था, क्रेज़ नहीं था, ये था कि बच्चे का दिल बड़ा होगा। तो इन लोगों ने बहुत संभाला मुझे, करियर वाइज भी और एक्टिंग वाइज भी और पर्सनली भी बहुत संभाला मुझे इन लोगों ने। बीरबल जी का वीडियो में अगर देखा जाए तो उन्होंने धर्म जी का भी जिक्र किया है और धर्म जी भी उनको बहुत चाहते थे। और ऐसे कितने एक्टर के ज़्यादा करीब थे मोहन चोटी जी? मीना आपा के बहुत नज़दीक थे, धर्म बाबा जी के बहुत नज़दीक थे, मेरे उस्ताद महमूद साहब के बहुत नज़दीक थे, बहुत है ना बहुत नज़दीक महमूद साहब के। देखिए उनकी पुरानी फिल्में उठा के लाखों में, एक या कोई फिल्म उठा के देख लो अब, जिसमें महमूद साहब हैं उसमें आपको मोहन चोटी कहीं ना कहीं कोई ना कोई रोल करते हुए दिखाई देंगे। तुमसे अच्छा कौन है उसमें देख लीजिए आप, एक फिल्म बनी हमारी दीवानगी उसमें भी मेरे साथ बहुत बेहतरीन सीन किया था इन्होंने, माना कि एक ही सीन था पर वो सीन देखने वाला है। मैं रेस्टोरेंट में जाता हूँ और ये टेबल बॉय बने हुए हैं, आके मुझे खाना वाना देते हैं, बड़ा प्यारा सीन किया था इन्होंने। और रही बात धर्म जी की, आप यकीन कीजिए सलाम भाई, इनकी जब डेथ हुई, ये जब गुजरे तो जॉनी ओलिवर साहब तो खैर होते ही हमेशा हमारे साथ या हर मैयत में आपको मिलेंगे, सबसे पहले हाजिर वो थे, मैं था, घनश्याम थे और साहब अगर कोई बड़ा नाम वहाँ पे कोई आया था, बड़ा स्टार कोई आया था, वो सिर्फ धर्म पापा जी आए थे, ओनली धर्म जी, और कोई बड़ा स्टार नहीं आया था। ये बोलते हुए मुझे दुख बहुत हो रहा है, वो इसलिए कि इन्होंने बहुत काम किया इंडस्ट्री में, अच्छा वक्त देखा इन्होंने और गुजरते वक्त आखिरी वक्त में भी इन्होंने कोई ऐसी गुर्बत भी नहीं देखी कि आप उनसे कन्नी काटें या उन्हें अवॉइड करें, इग्नोर करें। पर यह होता है ना कि जब आपका सितारा डूबता है, तो मैंने एक बार कहा था कि पंछी भी घर चले जाने लगते हैं, तो जब आपका सितारा डूबने लगता है तो साहब बहुत सी चीज़ों का आपको सामना करना पड़ता है। मोहन चोटी जी की बात करें, आपको उनकी कौन सी फिल्म ज़्यादा पसंद आई? फर्स्ट पिक्चर, उसमें थंडर पर वंडर को उन्होंने एक तकिया कलाम बनाया था, तो उस फिल्म में बड़े मशहूर हुए थे, ये काम भी बहुत अच्छा किया था, मुकुली चचा लोग सब थे। फर्स्ट पिक्चर बहुत अच्छी थी और उन्होंने काफ़ी काम किया, एक फिल्म आई थी अनपढ़, अगर मुझसे वो फिल्म, उसमें इन्होंने एक गाना गाया था सिकंदर से पोरस ने की थी लड़ाई। और अगर किसी कॉमेडियन या किसी एक्टर पे गाना फिल्माया जाए तो सलाम भाई समझ लीजिए उसके करियर का एक ग्राफ एक बुलंदी पर है, एक शिखर पे एक चोटी पे है, तो इन्होंने वो चोटी देखी इसलिए मोहन चोटी कहलाएंगे। तो अभी आपने एक लाइन गा के रोक दिया है, वो गाना पूरा करेगा? नहीं नहीं, नहीं मैं तो ये गुनगुना तो अगर मुझसे मोहब्बत है मुझे सब अपने दे दो, इन आँखों का हर एक आंसू मुझे मेरी कसम दे दो। भाई लता जी गाई है, राजा मैदिल खान साहब ने लिखा है, मदन अंकल का संगीत है, हम तो बस चाहने वालों में से उनके गुनगुनाने में भी डर लगता है भाई। लेकिन आप मोहन चोटी जी को कितना चाहते थे? मैं ये समझ लो कि अगर मैं उनके आखिरी वक्तों तक साथ में था, उनकी मैं शमशान भूमि तक गया हूँ उनके जनाजे के साथ, तो सलाम भाई इससे बड़ी तो कुर्बत है, इससे बड़ा साथ कोई हो नहीं सकता। तो मैंने कोशिश की साथ देने की पूरा, जो भी मेरी हसब हैसियत में रहा हूँ वो सब मैंने उनकी खिदमत हाजिर की है। मोहन चोटी जी के बारे में और क्या कह सकते हैं आप? मैं यही कहूँगा कि हमारी इंडस्ट्री ने जो हरकत आप करते हैं, जो आप देखिए डिवोशन अपना इतना इनपुट कर इन सब कलाकारों को याद करते हैं, अगर हमारी इंडस्ट्री वाले कुछ इतने बड़े बड़े कलाकारों के लिए कुछ करेंगे तो मुझे रूहानी खुशी होगी। क्योंकि क्या है, इन लोगों की वजह से इंडस्ट्री पॉपुलर हुई है और सांसें ली है कुछ दौर में इंडस्ट्री ने, जिसमें इन सब का इनपुट है, और ऐसे इग्नोर कर देना, इस तरह भुला देना बुरा लगता है, क्योंकि फैमिली मेम्बर हैं ये। लेकिन मोहन चोटी जी को जो इज्जत से नवाजना चाहिए था, जो अवार्ड मिलना चाहिए था, वो अब तक अवार्ड नहीं मिला, इस पर आप क्या कहेंगे? वही तो मैंने अभी शुरू में यही कहा ना आपसे कि हमारे इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए, अवार्ड तो गया तेल लेने, पर जो इज्जत अफजाई होती है, जो अपनेपन की दलीलें होती हैं, वो तो कम अज़ कम होनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्री में कुछ करना चाहिए उनके लिए। जूनियर भाई आप तो हयात हो,
और आपने दुनिया देखी है और तीन चार से पीढ़ी देखी है, चार के पांच कितनी पीढ़ी देखी है? पांच पीढ़ी देखी है। तो आपको भी इंडस्ट्री की तरफ से कुछ आस रखते हैं या आपको बहुत कुछ दिया इंडस्ट्री ने? मुझे बहुत कुछ दिया है, पर रही बात हुई कि आपके पीठ पीछे क्या, मैं तो पीठ पीछे की बात कर रहा हूँ, मैं रोशनी डालना चाह रहा हूँ, उनका जहन यहाँ घुमाना चाह रहा हूँ, उन चीज़ों पे जहन डालें आप, जो सामने चमक रहे हैं वो चमक रहे ठीक है ना, अल्लाह उनकी चमक और बढ़ाए, पर जो चमक चुके जिनकी चमक से ही हम दमक रहे हैं आज, उनको नहीं भूलना चाहिए, बस यही मेरी दिल की तमन्ना है। जूनियर भाई चलते एक आखिरी सवाल, जितने लोग ज़मीन से आसमां की तरफ जा चुकी है, बड़े बड़े एक्टर है और बहुत समाज में बहुत अच्छे लोग काम किए, हर समाज के हर फील्ड के लोग उनकी इज्जत करना चाहिए, उनको याद करना चाहिए, लेकिन इंडस्ट्री के लोग ऐसे कम लोग को याद करती है, ऐसे बहुत एक्टर है जिनको भुला चुके हैं, उनके नाम पे रोड तक नहीं है, बोर्ड तक नहीं है, ऐसे में इंडस्ट्री के लिए आप क्या सुझाव दोगे जो इंडस्ट्री के बड़े दिग्गज लोग हैं वो कर सकते हैं चाहें तो? जी वही मैंने एक दो बार और भी इस बात की शिकायत की थी, अब भी शिकायत ही कर रहा हूँ, मैं ऑर्डर तो दे नहीं सकता, अगर ऑर्डर देने के लायक होता तो सबसे पहले मैं रोड उनके नाम पे करवाता, बड़े बड़े वो बनवाता, उद्यान वगैरह, पर जो लोग इस काबिल हैं, जिनको मालिक ने इस काबिल बनाया है, दे शुड कम फॉरवर्ड टू डू सो, इसलिए कि उनको मालिक ने इस मकाम पर पहुँचाया है, तो इनकी भी तो दुआएं हैं जो पीछे रहे हैं, इन सब की दुआएं, उनकी फिल्मों में छोटे मोटे रोल करके इन्हें भी लोगों ने फिल्मों की तरफ खींचा है ना, तो इन लोगों का इनपुट जो है वो इस तरह अवॉइड नहीं करना चाहिए, इग्नोर नहीं करना चाहिए, तो मैं उनसे कहूँगा जो बड़े लोग हैं इस काबिल हैं, मालिक उनको और कुव्वत दे ताकत दे, पर अपने से छोटों की तरफ ध्यान दें आप, क्योंकि अगर बरकत चाहते हो आप तो आपको ये सब करना होगा, अगर नहीं चाहते तो जो आप कर रहे हैं ठीक है। ख़त्म करने से पहले चलते थे आपका गाना मेरे को पसंद आया, पर्सनल रिक्वेस्ट है एक गाना कोई हो जाए फिर मैं एंड करूंगा। अरे नहीं वो मोहन चौधरी साहब का गाना था, सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई, जो की थी लड़ाई तो मैं क्या करूं, जो कौरव ने पांडव से की हाथापाई, जो की हाथापाई तो मैं क्या, ये महेंद्र कपूर साहब ने गाया था, वो अनपढ़ फिल्म का गाना था जहाँ तक मुझे। अभी चलते थे एक आखिरी, ब्रह्मचारी में 12 बच्चे ने काम किए हैं, उसमें से कुछ बच्चे हमारे को मिले हैं, कुछ हमारे रेंज में कुछ बच्चे आए हैं एक दो, और भी रेंज में आने के लिए इंडिया आज के माध्यम से उस बच्चों को आप अपील करें कि इंडिया आज का नंबर देके कॉल करें और मैं आपसे मिलना चाहता हूं। जी बिल्कुल मेरे दोस्तों, जिन ने काम किया ब्रह्मचारी में मेरे साथ या मैंने जिनके साथ काम किया है, खुदा के वास्ते, परमात्मा के वास्ते, भगवान के वास्ते, ज़रूर इनको कॉन्टेक्ट करें, आए आगे, क्योंकि पुराने चावल खुशबूदार होते हैं, जब वो पकेंगे तो पूरे मोहल्ले में खुशबू उड़ेगी, तो प्लीज़ डू कम फॉरवर्ड एंड शो योरसेल्फ, थैंक यू। ब्रह्मचारी की उन 12 बच्चे से मेरी अपील है कि इंडिया आज को कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि लोग आपको जानना चाहते हैं आप कहाँ हो, किस हाल में हो, लेकिन प्लीज़ आप हमें ज़रूर कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि हमें इंटरव्यू लेने का मौका मिलेगा आपसे, अगर आप बम्बई में हैं तो, या तो फिर आप हमें वीडियो बना के भेज सकते हैं, और इंडिया आज के देखने वाले को फिर एक बार कहूँगा, सुझाव है आपके पास तो इंडिया आज के लिए ज़रूर दे, और जूनियर भाई के लिए कुछ कहना चाहे तो आप इंडिया आज के माध्यम से ज़रूर कह सकते हैं, आपकी बोली हुई बात को हम पूरी करने की कोशिश करेंगे, देखते रहिए इंडिया आज, और मैं इंडिया आज के लिए सलाम का जी। भाई अपनी पसंद का गाना मेरे को सुनाएंगे? नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो हम लोग आपस में बैठे रहते गुनगुनाते रहते, दोनों के हैं रूप हजार, पर मेरी सुने जो संसार, दोस्ती का यारो नहीं कोई दाम। क्या बात है।